एक मेरे पेशेंट का इंक्वायरी आई है, वो कहता है जी कि मुझे किडनी का मसला है, उसकी क्रिएटिनिन थोड़ी हाई है, तो मैं सेक्स बिल्कुल नहीं करता क्योंकि सेक्स करने से आपके जो है किडनी वो फेल हो जाते हैं। बल्कि मैंने एक 10 साल पहले एक रिसर्च की थी किडनी के पेशेंट्स पे सेक्स की, तो मुझे जितने वो डायलिसिस पे पेशेंट थे या दूसरे पेशेंट थे, तो मैंने उनको ऑफर की कि यार मेरे पास ऐसी मेडिसिंस हैं कि तुम्हारा सेक्स जो है वो रिवाइव हो जाएगा, क्योंकि हमने अपने इंटरव्यूज में देखा था कि 99% पेशेंट जो कि डायलिसिस या किडनी डिजीज के पेशेंट थे, वो कह रहे थे कि हमने सेक्स नहीं करना, और उनका सेक्सुअल फंक्शन भी डेफिनेटली डाउन था, और मेरी जो ऑफर थी उनको कि मैं तुम्हारा सेक्सुअल फंक्शन ठीक कर देता हूँ, और उन्हें शुक्रिया से मेरी ऑफर ठुकरा दी कि डॉक्टर साहब हमने मरना नहीं है अपना सेक्स करके, क्योंकि हमारे हकीमों ने ये बात मशहूर कर दी है कि सेक्स करने से किडनी फेल हो जाती है। लोगों का ख्याल है कि नफ्स जो है वो अपनी ताकत पकड़ता है कपूरों से, और कपूरे ताकत पकड़ते हैं आपके गुर्दों से, ठीक है, और गुर्दे ताकत पकड़ते हैं मेदे से। मैं नहीं कहता, ये हिकमत में ये एक बात मानी जाती है, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं बीच में गुर्दे आ गए, नफ्स का ज्यादा जोर और बेचारे गुर्दे कमजोर है, इनका क्या बनेगा। साइंटिफिकली ये बात बिल्कुल इसका कोई दूर दूर तक हकीकत से तल्लक नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जो बंदा किडनी का पेशेंट होता है उसके बॉडी के अंदर मेटाबोलाइट्स में पूरी तरह निकलते नहीं, यूरिक एसिड यूरिया बड़े होते हैं, उसके हार्मोन भी डिस्टर्ब होते हैं, उस बेचारे की किडनी की वजह से ब्लड की भी कमी होती है, कमजोरी होती है बॉडी के अंदर, तो उन लोगों के अंदर सेक्सुअल डिसफंक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो उन लोगों में वो ताकत नहीं होती सेक्स करने की ना, ठीक है, तो वो फिर लोग अवॉइड करते हैं, और उनका ये ख्याल होता है कि अगर शायद हम सेक्स करेंगे तो मरीज कमजोर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका किसी तरीके से इरेक्शन हो जाता है तो आप डिस्चार्ज करेंगे तो आपकी किडनी में कोई प्रेशर नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे जैसे आजकल एक जेल आई हुई है इरोक्सोन जेल लगाएं आप नफ्स के अपना कैप के ऊपर, नफ्स जो है ना वो खड़ा हो जाता है, ये नई चीज ईजाद हुई, तो अभी पाकिस्तान में भी तकरीबन आ जाएगी, कुछ देर में रजिस्टर हो गई है, अब खड़ा हो गया उसे आपने कर लिया, किडनी को कख फर्क नहीं पड़ेगा, पक्की बात है, और खड़ा भी हो गया। लेकिन चूंकि किडनी का पेशेंट उसको खड़ा नहीं कर पाता रूटीन में, तो उसका ख्याल है कि खड़ा करने के बाद ये नुकसान हो जाएगा, तो परेशानी की बात नहीं है, आपके पार्टनर का हक है। अगर आपको किडनी का डिजीज है तो आप अपने पार्टनर को सेक्सुअल प्लेजर से महरूम ना करें, खुद भी इंजॉयमेंट करें, उसको भी इंजॉय करने दें, और खुश रहें और खुशियां बांटें, और हमारे हक में दुआ कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें, ठीक है, और खुश रहें, खुशियां बांटें। डॉक्टर बर्की की इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।